स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सोशल स्टडी क्लास वन पेज नंबर 65। इन द स्काई, इन द स्काई आसमान में। एट नाइट द स्काई इज़ डार्क। व्हेन इट इज़ डार्क यू कैन सी द स्टार्स, दे आर वेरी फार अवे। समटाइम्स यू कैन सी द मून। रात को आसमान डार्क यानी ब्लैक होता है। जब ये स्याह होता है तो आप क्या देख सकते हैं, आप स्टार्स देख सकते हैं। ये बहुत दूर होते हैं। किसी वक्त आप क्या देख सकते हैं, आप मून भी देख सकते हैं। द स्काई एट नाइट, रात के टाइम जो है स्काई वो स्याह होता है, डार्क कलर का। और द स्काई एट नाइट डे, दिन के टाइम जो स्काई है वो ब्लू होता है। इन द डे टाइम यू कैन सी द स्काई, इट लुक्स ब्लू। दिन के वक्त आप आसमान देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय। फ्लोटिंग मीन तैरना, चलना। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय। आसमान पर बादल तैर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं दिन के टाइम ना। आसमान पर क्लाउड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे। ब्राइटली मीन चमकना। सूरज जो है वो दिन के टाइम चमक रहा होता है यानी बहुत ज़्यादा रोशन होता है। इट गिव्स लाइट एंड वार्म्थ टू आवर प्लैनेट अर्थ। सूरज जो है वो हमारी अर्थ को रोशनी भी देता है और गर्मी भी देता है यानी गर्म भी रखता है। समटाइम्स द स्काई इज़ क्लाउडी। किसी वक्त जो स्काई है वो आसमान जो है वो अबर उलूद होता है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। डायरेक्टली हमें सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। इट विल हर्ट योर आइज़। इससे आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं यानी आपकी आँखों के लिए ये ठीक नहीं है, ये वाली जो उसकी रेज होती हैं सूरज की। बर्ड्स कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई। परिंदे जो हैं वो आसमान पर ऊंचा उड़ सकते हैं। एरोप्लेन्स फ्लाई इवन हायर। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बर्ड्स से भी ज़्यादा उड़ सकते हैं। ओके गर्ल्स, इसी टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर आपने कॉपी पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।